नमस्कार दोस्तों, आज मैं हूँ तो अपने ऑफिस में ही, लेकिन लंच टाइम चल रहा है, सब व्यस्त हैं अपने अपने कामों में, तो मैंने सोचा क्यों ना आज आपको ना मैं कुछ डिफरेंट चीज़ दिखाती हूँ। यानी कि हम लोगों के खिड़की और दरवाज़े, उनमें कितने तरह की डिज़ाइनिंग हो सकती है, कितने तरीके से उसको खूबसूरत बनाया जा सकता है, और उसकी एक झलक मैं आपको दिखाऊंगी। हमारी एक गैलरी है, कास्ट कला यानी कि लकड़ी के ऑब्जेक्ट्स की गैलरी, और यहाँ पे विभिन्न प्रकार के मंदिरों के दरवाजे, घरों में लगने वाले छज्जे, और ये देख रहे होंगे आप मेरे बैकग्राउंड में, और देखिए ये पूरा पूरा एक घर है। तो इन सब की डिटेलिंग मैं आपको दिखाऊंगी और ये बताऊंगी कि किस तरीके से आप जो है अपने घर को बहुत खूबसूरत बना सकते हैं, शानदार बना सकते हैं, और अपने भारतीयता की एक झलक उसमें देख सकते हैं। जैसे कि मेरे पीछे आप देख रहे हैं, ये एक हेयर ड्रायर है पंजाब से, और इसकी डिटेलिंग मैं अभी आपको आगे देती हूँ। चलिए मेरे साथ। दरवाजे तरह तरह के, ये है पत्थर का दरवाजा, और ये देखिए जालीदार काम, फूलों के डिजाइन, और यहाँ पे रखी जाती थी लाइट, पर्दे वाला एंट्रेंस। और ये दरवाज़ा अगर आप देखेंगे तो ये है लकड़ी का दरवाज़ा। खिड़की, इसे कहते हैं कृष्ण का हिंडोला। देखिए कहते हैं जैन तीर्थांकर की माता जी ने 14 स्वप्न देखे थे, और वो 14 स्वप्न जो थे वो यहाँ पे नक्काशी से बनाए गए। तो ये है जैन तीर्थांकर मंदिर के दरवाजे का दृश्य। ऐसा सुंदर भव्य लकड़ी का मंदिर अगर आपके घर में हो तो क्या कहना चाहेंगे आप। देखिए अब ये देखिए, ये दरवाज़ा आपको दिखाता है कि आप इसमें डेकोरेशन कैसे कर सकते हैं। ये वुडन डोर है, लेकिन इसके ऊपर जो लगा हुआ है ना, ये गुजराती आर्ट है, और गुजरात की, आप देखिए नज़दीक से दिखाती हूँ, बीड से बनी हुई डिज़ाइनिंग देख रहे हैं आप, छोटे 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 मोती हैं ये। ये है हमारा भारतीय आर्ट। अगर आपने ये नहीं देखा तो कुछ नहीं देखा। ये देखिए कितना बड़ा छज्जा, मुझे तो मेरा बचपन और नानी और दादी का घर याद आ जाते हैं उत्तराखंड कुमायूं में। इतना बड़ा नहीं होता था ये दरवाज़ा, छोटा होता था, लेकिन इन्हीं विंडो में बैठ के हम, क्योंकि हम बाज़ार में, हमारे दोनों के घर तो हम नीचे झाँका करते थे। तो देखिए वैसी ही खूबसूरत खिड़कियाँ जालीदार, और ये घर का हिस्सा है। लिखा क्या है, नवाब। ये देखिए कैसे खिड़की और दरवाजों से पूरा एक घर बन जाता है। मैडम ये भी गुजरात का ही होगा ना? ये पंजाब का है, हेयर ड्रायर। अच्छा ओके, ये है क्या ये हाथी को सजाने के? ओ हाथी सस्ते थे ना? जी जी जी, सोने चांदी के तार है इसमें, सूट का। अच्छा ठीक है, और ये तो हेयर ड्रायर है ना? ये हेयर ड्रायर है पंजाब से, क्या बात है। कुछ ही चीजें ऐसी हाँ। अब देखिए हम इस घर में अगर एंटर करें, ये देखिए बस खा लिया मैंने, आप खाइए प्लीज। हाँ मैम मैंने खा लिया। तो अंदर एक छोटा सा कमरा होगा जिस पे आप बैठ सकते हैं बढ़िया से, है ना? ये देखिए ड्रॉर्स, अलमीरास, हल्की सी लाइट, मिट्टी का घर, मिट्टी की दीवारें जो घर को ठंडा रखती हैं। तो चले अंदर, आइए सीढ़ी से हम अंदर गए, और ये है बीच का वो आंगन जहाँ सब बैठ सकते हैं, ऊपर से छज्जा जो कि आपको छाया देगा, धूप देगा, छाया देगा, बारिश की बूंदे देगा,
और अंदर देखिए, दरवाजे, खिड़कियां। अगर लाइफ में मुझे कभी मौका मिला तो मैं अपने घर के अंदर इस तरह से ये आंगन बनाना चाहूंगी। और इसको बनाना कोई कठिन नहीं है, बस घर के बीचों बीच आपको एक ऐसा कमरा निकालना है जिसमें पिलर्स होंगे, चारों तरफ आप चाहें कमरे बनाइए, और ये छज्जा जो कि साउथ इंडिया में और गुजरात में बहुत कॉमन है। विंडोज, देखेंगे तो ये पिलर एक पत्थर पे खड़ा है, नक्काशीदार पत्थर पे, और ये पिलर है जिसमें डिजाइनिंग है, बीच में से प्लेन है, और अगर ऊपर जाते हैं आप तो देखिए इसमें बहुत खूबसूरत डिजाइनिंग है। देखिए ये भी छज्जे हैं जहां आप बैठ सकते हैं, और अगर आप नीचे नहीं आना चाह रहे हैं तो आप इस आंगन को इन छज्जों से भी देख सकते हैं। बहुत ही शुरू में जो था ना दिखा दिया मैंने, वो सबसे पहले उसी को रिकॉर्ड। जी जी, हवेली पे ये देखिए, अगर आपको बहुत ही पतली और लंबी सी खिड़की चाहिए। शुरुआत करती हूँ यहां से, ये देखिए इमेजिन करिए ये आपके घर की एक शुरुआत है, मेन द्वार है ये आपका प्रवेश द्वार। कितना खूबसूरत, ये ओरिजिनल दरवाजा है जो कि साइट से लाया गया है और उसे यहाँ इंस्टॉल कर दिया गया है। आशा करती हूँ आपको ये ट्रिप अच्छा लगा होगा, जिसमें मैंने आपको ये दिखाया कि हम भारतीय जो हैं वो सिर्फ और सिर्फ घर बनाने पे विश्वास नहीं रखते, घर को खूबसूरती देते हैं, और हर जगह का जो घर होता है वो कुछ ना कुछ अपनी खासियत लेके आपको इस बात का एहसास कराएगा कि आप किस प्रदेश को बिलोंग करते हैं, आप भारत के कौन से राज्य में रहते हैं, उस राज्य की विशेषता क्या है। कहीं सीमेंट के घरों को पसंद किया जाता है, कहीं झोपड़ियों को पसंद किया जाता है, और कहीं इस प्रकार लकड़ियों को पसंद किया जाता है। तो देख रहे हैं कितनी विविधता है हमारे देश में, कितनी विशाल संस्कृति है हमारी। रेस्पेक्ट करिए भारत को, और हमेशा गर्वान्वित महसूस कीजिए कि हम भारतीय हैं और ऐसे देश से हैं जो सचमुच सोने की चिड़िया है। मैं इस बात को एक्सेप्ट नहीं करती हूँ कि जब लोग कहते हैं कि सोने की चिड़िया था, हमारा देश सोने की चिड़िया था, है और हमेशा रहेगा। इसी के साथ इस ब्लॉग को यहीं समाप्त करती हूँ, फिलहाल आपसे विदा लेती हूँ, फिर मिलूंगी। अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है अभी तक तो प्लीज़ करिए, और बेल आइकन दबाना मत भूलिएगा।